बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में धनतेरस के दिन खजाने वाली देवी का दरबार खुल गया है। इस बार पहला ऐसा मौका होगा जब पूरे 5 दिन तक मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमय प्रतिमा के दर्शन होंगे। काशी में मां अन्नपूर्णा के दरबार में लंबी कतार लगी है। श्रद्धालु स्वर्णमय मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए 24 घंटे पहले से ही कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। प्रसाद के रूप में भक्तों को सोने चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं। साल भर के इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा मंगलवार को 16 भुनासी तालों से बाहर आई। धनतेरस के अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खजाना वितरण की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की कतार लग रही है। भक्तों ने माता अन्नपूर्णा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इसके बाद उन्हें माता का प्रसाद दिया गया। आज से श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा भूदेवी और महालक्ष्मी के स्वर्णमय स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जो 2 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके साथ ही माता से भिक्षा मांगते बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा के भी दर्शन मिल रहे हैं। माता के दर्शन के लिए 24 घंटे पहले से ही बैरिकेड में श्रद्धालु कतारबद्ध हो गए थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर स्वर्णमयी स्वरूप मां अन्नपूर्णा के गर्भगृह के कपाट खोले गए। आजादी से पहले के 16 तालों में मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन श्रृंगार और आरती के बाद सुबह 5 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आरंभ कर दिया गया। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि वर्ष में 5 दिन के लिए माता के स्वर्णमय स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसके बाद माता के विग्रह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माता को जहां रखा गया है वहां सिर्फ महंत और पुजारी को जाने की अनुमति है। वही मंदिर में सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी के 25 सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि शिव की नगरी काशी का नाम अन्नपूर्णा क्षेत्र सर्वत्र प्रसिद्ध है और लोक में यह ख्याति भी है कि काशी में अन्नपूर्णा ही सबको भोजन देती है, जिससे कोई भूखा नहीं सोता। काशी में भगवान विश्वनाथ गृहस्थ है और उनकी कुटुंबिनी भवानी अन्नपूर्णा है। वही समस्त काशी वासियों को मोक्ष की भिक्षा देती है। इस अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने क्या कुछ जानकारी दी वो हम आपको सुनाते हैं। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त आके जा चुके हैं प्रसाद लेके माता जी का, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगने आते हैं और जिस दिन धनतेरस लगती है उसी दिन बाबा विश्वनाथ ने भिक्षा मांगी है। उसी परंपरा का हम निर्वाह करते हुए इस परंपरा को निभा रहे हैं। तो माता अन्नपूर्णा की परंपरा का ये महत्व है, या खजाने का ये महत्व है कि धनतेरस को मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। आज सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, माता अन्नपूर्णा की पूजा हुई, भूमि जी की पूजा हुई, लक्ष्मी जी की पूजा हुई, बाबा विश्वनाथ की पूजा हुई, इसके बाद खजाने की पूजा हुई, आरती हुई। आरती के बाद में माता अन्नपूर्णा का खजाना बांटा जा रहा है। जो खजाना को लेके जाते हैं, अपने घर में रखते हैं, लाभा को रखते हैं, निश्चित है उनके यहाँ बरकत होती है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो माता अन्नपूर्णा उनको आशीर्वाद देती है और उनकी समस्या का हल होता है। आज के ऐसा है कि आप आज के दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन करें तो निश्चित है कि आपके अंदर जो बेकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है और एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप जैसे किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित सफल होंगे। माता अन्नपूर्णा के दर्शन करके जाइए और निश्चित है कि आप जो कार्य करेंगे तो उसमें सफल रहेंगे। ऐसा है कि इस बार धनतेरस 1 दिन पहले आ रही है, इसीलिए मंदिर जब मैं बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगने आए, जिस दिन धनतेरस लगती है उसी दिन उन्होंने भिक्षा मांगी है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, तो आज धनतेरस आ गई है, तो इसीलिए आज धनतेरस के दिन कपाट खोले गए हैं और जिस दिन प्रतिपदा समाप्त होगी उस दिन तक कपाट खोले रहेंगे। इसीलिए इस बार माता अन्नपूर्णा के कपाट 5 दिन के लिए खोले गए हैं।
देखा जाए तो गुदौलिया से लोग आ रहे हैं और बैरिकेडिंग से आ रहे हैं, बांस फाटक होते हुए प्रथम तल पे जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद पहले लाभा प्राप्त कर रहे हैं, लाभा प्राप्त करने के बाद खजाना प्राप्त कर रहे हैं, माता अन्नपूर्णा का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद में लोग डुंडी राज गली से आ रहे हैं और कालका गली होते हुए निकल रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग है और लोग काम कर रहे हैं और जा रहे हैं। जो जो प्रसाद ले रहा है वो यहाँ से खुश होकर जा रहा है और प्रसाद रख रहे हैं, उनके यहाँ बरकत होती है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। भारत से भी आ रहे हैं लोग, देश विदेश से आ रहे हैं, कई देशों के लोग आ गए हैं यहाँ से, लोग जो प्रसाद लेके गए हैं जो भारत के सनातन धर्म को मानते हैं। यहाँ से जो भक्तगण नहीं आए, माता अन्नपूर्णा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में ऐश्वर्य प्राप्त हो, धन की वर्षा होती रहे और कोई समस्या हो तो निश्चित माता अन्नपूर्णा उनको एक अच्छी ऊर्जा दे, उनके घर में एक अच्छा ऐश्वर्य का वातावरण दे कि जिससे उनके घर में बरकत हो और माता अन्नपूर्णा के प्रति उनको श्रद्धा बनी रहे और उनका माता अन्नपूर्णा का उनको आशीर्वाद मिलता रहे। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भक्त आके जा चुके हैं प्रसाद लेके माता जी का, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगने आते हैं और जिस दिन धनतेरस लगती है उसी दिन बाबा विश्वनाथ ने भिक्षा मांगी है, उसी परंपरा का हम निर्वाह करते हुए इस परंपरा को निभा रहे हैं। तो माता अन्नपूर्णा की परंपरा का ये महत्व है या खजाने का ये महत्व है कि धनतेरस को मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। आज धन सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, माता अन्नपूर्णा की पूजा हुई, भूमि जी की पूजा हुई, लक्ष्मी जी की पूजा हुई, बाबा विश्वनाथ की पूजा हुई, इसके बाद खजाने की पूजा हुई, आरती हुई, आरती के बाद में माता अन्नपूर्णा का खजाना बांटा जा रहा है। जो खजाना को लेके जाते हैं अपने घर में रखते हैं, लाभा को रखते हैं, निश्चित है उनके यहाँ बरकत होती है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो माता अन्नपूर्णा उनको आशीर्वाद देती है और उनकी समस्या का हल होता है। आज के ऐसा है कि आप आज के दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन करें तो निश्चित है कि आपके अंदर जो बेकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है और एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप जैसे किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित सफल होंगे। माता अन्नपूर्णा के दर्शन करके जाइए और निश्चित है कि आप जो कार्य करेंगे तो उसमें सफल रहेंगे। ऐसा है कि इस बार धनतेरस एक दिन पहले आ रही है, इसीलिए मंदिर जब मैं बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगने आए, जिस दिन धनतेरस लगती है उसी दिन उन्होंने भिक्षा मांगी है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, तो आज धनतेरस आ गई है, तो इसीलिए आज धनतेरस के दिन कपाट खोले गए हैं और जिस दिन प्रतिपदा समाप्त होगी उस दिन तक कपाट खोले रहेंगे। इसीलिए इस बार माता अन्नपूर्णा के कपाट 5 दिन के लिए खोले गए हैं। दर्शन के लिए कैसे व्यवस्था की गई है? देखा जाए तो गुदौलिया से लोग आ रहे हैं और बैरिकेडिंग से आ रहे हैं, बांस फाटक होते हुए प्रथम तल पे जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद पहले लाभा प्राप्त कर रहे हैं, लाभा प्राप्त करने के बाद खजाना प्राप्त कर रहे हैं, माता अन्नपूर्णा का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद में लोग डुंडी राज गली से आ रहे हैं और कालका गली होते हुए निकल रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग है और लोग काम कर रहे हैं और जा रहे हैं। जो जो प्रसाद ले रहा है वो यहाँ से खुश होकर जा रहा है और प्रसाद रख रहे हैं, उनके यहाँ बरकत होती है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। भारत से भी आ रहे हैं लोग, देश विदेश से आ रहे हैं, कई देशों के लोग आ गए हैं यहाँ से, लोग जो प्रसाद लेके गए हैं जो भारत के सनातन धर्म को मानते हैं। यहाँ से जो भक्तगण नहीं आए, माता अन्नपूर्णा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में ऐश्वर्य प्राप्त हो, धन की वर्षा होती रहे और कोई समस्या हो तो निश्चित माता अन्नपूर्णा उनको एक अच्छी ऊर्जा दे, उनके घर में एक अच्छा ऐश्वर्य का वातावरण दे कि जिससे उनके घर में बरकत हो और माता अन्नपूर्णा के प्रति उनको श्रद्धा बनी रहे और उनका माता अन्नपूर्णा का उनको आशीर्वाद मिलता रहे।